हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। मेरे सामने है TVS जुपिटर। ये है इसका 5 मिलियन एडिशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड ये एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है फ्रॉम द ब्रांड TVS। तो आपको एक बार मैं इसका सारे लुक एक बार आपको सब तरीके से दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये गाड़ी में आपको क्या क्या नया देखने को मिल रहा है। इसका नाम है जुपिटर क्लासिक 5 मिलियन एडिशन। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक ट्रीटमेंट में आपको फिनिश दी गई है। यहाँ पर ग्रैब रिल देखोगे तो वो भी ब्लैक कलर का दिया गया है। एंड सबसे अच्छी बात जो इसके सीट्स है, ये लेदरेट टाइप का फिनिश इसमें देखने को मिल जाएगा, क्लासिक यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ये सीट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल रहे हैं। सेम ही सीट है जैसे कि ये जुपिटर में आते हैं, बट इसका जो टेक्सचर है, जो इस पर कवरिंग दी गई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड स्पेशली ये जो मिरर्स देखोगे तो कम्प्लीटली ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिरर पर देखने को मिल जाएगा। एक नया विंडशील्ड आपको बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रिप दी गई है ऑल ओवर यहाँ पर कंटिन्यू की गई है, आप देख सकते हो। आगे भी आपको ये ब्लैक कलर में ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है। आगे आपको डिस्क मिल जाता है और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो अलॉय दिया गया है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ये 5 मिलियन जुपिटर एडिशन जो है, जुपिटर क्लासिक, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें चेंजेस जो है, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, बट ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस देखोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पीछे आपको ये एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको 110cc का इंजन दिया गया है। पावर फिगर्स आप डिस्प्ले पे चेक कर सकते हो। इसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, तो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। एंड आपको आगे तो डिस्क ब्रेक दे दिया गया है, जिससे तो ऑलरेडी ब्रेकिंग और भी अच्छी हो गई है। ये जो आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड टेल लाइट्स देखने को मिलते हैं ना, ये आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे। और पीछे आपको बैक रेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। तो जो भी पिलियन पे बैठेगा उसे काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देखने को मिलने वाला है। अंडरनीथ स्पेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वहाँ पर एक फुल साइज़ हेलमेट आराम से आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड कर दिया गया है, विच इज़ रियली गुड थिंग। तो जुपिटर में अभी चार्जिंग सॉकेट आपको सब वेरिएंट में देखने को मिल ही जा रहे हैं, फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू द टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पर आपको हुक दिया गया है, तो इधर लगभग 3 से 4 किलो का सामान आप लटका सकते हो, यहाँ पर अपनी की लगाओगे। अब ये क्लासिक वेरिएंट में आपको जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, थोड़ा विंटेज स्टाइल है, बट इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, वो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको टेल टेल लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो आपको फिटमेंट दी गई है आगे विंड की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इसकी जो प्राइसिंग है, 1,02,500 रुपये ऑन रोड मुंबई में है, तो 1 लाख के ऊपर इसकी प्राइसिंग जा रही है, बट कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एक बार वाइड एंगल में भी आपको मैं इसका लुक चेक करवा देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं आपको वाइड एंगल में नहीं दिखा पाया था। बट एक बार वापस से इसे वाइड एंगल में चेक कर लीजिए फ्रॉम द एवरी एंगल। ये है 5 मिलियन एडिशन जुपिटर क्लासिक। इसकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 1,02,500 के आसपास है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जा रही है, काफ़ी अच्छे लुक्स दिए गए हैं। अंदर भी आपको ये सॉर्ट ऑफ ब्राउन कलर का जो ट्रीटमेंट दिया गया है, पूरे गाड़ी पे कंटिन्यू किया गया है, काफ़ी बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये स्कूटर। एंड वैल्यू फॉर मनी तो पहले से ही था, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, 45 to 50 के आसपास माइलेज देखने को मिल जाता है। मैं अभी हूँ रोशन ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ से कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदोगे एंड मेरा रेफरेंस दोगे तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनसे डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए एंड कोई भी स्कूटर या बाइक यहाँ से बुक कर सकते हो। तो ये थे इसके ओवरऑल डिटेल्स अबाउट द TVS जुपिटर क्लासिक 5 मिलियन एडिशन। आई थिंक किसी ने अब तक इसका रिव्यू नहीं किया हुआ है, बहुत कम रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एक फुल्ली एक्सेसराइज वर्जन चाहिए एंड जो लोगों को ब्लैक ट्रीटमेंट, ब्लैक कलर अच्छा लगता है, तो बहुत सारे ब्लैक एक्सेंट्स आप देखने को मिल जाएंगे। सीट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ओवरऑल
गाड़ी ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है एंड मैं हमेशा से इस स्कूटर को अबाउट जुपिटर 125 रेफर करता हूँ, क्योंकि ये जुपिटर 125 यहाँ पे है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तो यही गाड़ी मुझे लगती है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में बिकते आई है एंड अभी भी इसका मार्केट वैल्यू कम नहीं हुआ है। प्राइसिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के हिसाब से आप प्राइस चेक कर सकते हो, बट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ में, जिससे काफ़ी अच्छी रीच हमें मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ।